हेलो हाय नमस्ते दोस्तों, मेरे पास है 5 kg ब्रेकर मशीन जिसको हम बोलते हैं 0810 ब्रेकर मशीन। तो सबसे पहले मशीन को चला लेते हैं, क्या दिक्कत है सबसे पहले जानते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे सीरीज जल रहा है, तो दोस्तों मशीन बिल्कुल सही चल रहा है। तो प्रॉब्लम कहाँ पे हो सकता है, तो यहाँ पे हमारा मशीन जो मटर साइज में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, यहाँ प्रॉब्लम है। यहाँ पे देखिए बिट ऑटोमेटिक अंदर घुस रहा है फिर ऑटोमेटिक निकल जा रहा है, ठीक है। उसमें कोई भी लॉकिंग सेट मतलब उसका काम की चीज़ नहीं है। तो इसके बारे में ये वीडियो में बताऊँगा क्या हुआ है इस मशीन में, क्यों ये बिट बाहर ऑटोमेटिक निकलता है फिर अंदर ऑटोमेटिक घुसता है, कोई भी लॉकिंग सेट इसमें काम नहीं करता है। तो सबसे पहले हम उसका ऊपर वाला जो लॉक रहता है, सर्किल बोलते हैं हम, उसको खोल के उसका लॉकिंग साइड में स्प्रिंग रहता है, फिर उसका बड़ा वाला वॉशर रहता है, कवर रहता है, उसको खोल लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपको पता होगा शायद उसमें बॉल रहता है। यहाँ पे देखिए ये बॉल है, तो बॉल ये खा चुका है, ये घूम घूम के छोटा रहता है। अगर आपको दिख रहा है ये बिल्कुल गोल है लेकिन कहीं पर भी नहीं खाया, लेकिन ये क्या इसमें दिक्कत ये होता है, वो ऑटोमेटिक घूमता है फिर घूम 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 के वो छोटा रह जाता है। छोटा होने से उसका बीट का जो लॉकिंग लॉक रहता है, बीट का जो घाटी रहता है उसमें लॉक नहीं हो पाता है, तो इसलिए हमको उसको खोलना पड़ेगा। ये देखिए सब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पाँच ठो बॉल है लेकिन उसमें 6 ठो बॉल लगता है, ये एक बॉल भी नहीं है यहाँ पे, तो इसलिए ये दिक्कत होता है। अगर आपका बॉल भी पूरा कंप्लीट बॉल भी है लेकिन वो बॉल खा चुका है तो इसलिए भी आपका लॉक नहीं हो पाएगा, तो इसलिए हमको नया वाला बॉल लगाना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए बहुत बड़ा बॉल, यहाँ पे देखिए जो बॉल पुराना बॉल है वो बहुत छोटा है और जो नया बॉल है वो बहुत बड़ा है, तो ये घूम घूम के खा जाता है। तो इसलिए हमको क्या करना है, बॉल को चेंज करना पड़ता है, 6 ठो बॉल लगता है। सबसे पहले हम उसको क्लीन कर लेते हैं। तो दोस्तों चैनल में नए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए पावर टूल रिलेटेड वीडियो देखने के लिए। यहाँ पे ग्रीस थोड़ा लगाएंगे, और कोई भी स्पेयर पार्ट्स की जानकारी चाहिए आपको नीचे आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, आप जाके कॉल कर सकते हो। और कोई भी स्पेयर पार्ट्स की ज़रूरत है तो मुझे कॉन्टैक्ट जरूर कीजिए, आपको पार्सल हो सकता है आपके एरिया में, या आपको मिल सकता है पार्सल, इसमें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 6 ठो बॉल चारों तरफ ग्रीस दे के लगा देंगे, बिल्कुल आसान है दोस्तों, आप भी कर सकते हो। बस आपको एक बॉल चाहिए, बॉल जितने भी बॉल लगता है वो ज़रूरत है। अगर आपको चाहिए तो ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिए, आपके एरिया में पार्सल कर सकता हूँ। यहाँ पे थोड़ा बहुत जाम हो गया है ग्रीस वगैरह लग के, तो उसको हम क्लीन कर लेते हैं। चैनल में है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। नीचे आपको रेड कलर की बटन मिल जाएगा, आप जाके ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्री में होता है, कोई भी पैसा नहीं पड़ता है, फ्री में होता है। जब भी आप चैनल सब्सक्राइब करोगे तो नेक्स्ट जब भी मैं वीडियो डालूंगा आपके पास 100% आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। यहाँ पे देखिए एक थोड़ा क्लीन कर लेते हैं सही से, क्लीन हो चुका है पूरा, बिल्कुल सही तरीके से क्लीन हो चुका है। अभी हम उसका लग करेंगे, उसे बहुत आसान है भाई, और यहाँ पे लग उसमें जो सर्किल लगता है उसको लगा लेंगे। और अभी देखिए दोस्तों ये बिल्कुल भी अंदर नहीं जा रहा है, अगर आप प्रेस करोगे लॉकिंग सेट को नीचे पुश करोगे तो फिर ये अंदर जाएगा, फिर ये निकल जाएगा, ये बिल्कुल परफेक्टली काम कर चुका है। और ये प्रॉब्लम ये इस मशीन में सॉल्व हो चुका है। तो यहाँ पे हम मशीन को थोड़ा चला लेंगे, देखेंगे फिर थोड़ा ट्राई कर लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा हैमरिंग टेस्ट कर लेंगे। और देखिए बिल्कुल सही हैमरिंग हो रहा है, तो दोस्तों चैनल में नए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए पावर टूल रिलेटेड वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।